हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं फिजिक्स में तीसरा चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको जो भी वीडियो चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ये बिहार बोर्ड में 100% इसमें से पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर 8 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। एक चक्कर में घूमने में किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों, शून्य हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट पर मीटर तथा विद्युत विभव 3000 वोल्ट है, यह निश्चित दूरी कितनी होगी? दोस्तों, निश्चित दूरी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। +8 माइक्रोकूलम तथा +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इन्हें 4 सेंटीमीटर खिसकाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? दोस्तों, ये हो जाएगा 5.8 जूल हो जाएगा। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोस्तों, ये बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? दोस्तों, बढ़ती है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर +10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोस्तों, 27 जूल हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि? दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव भी में संबंध स्थापित करें। दोस्तों, ये हो जाएगा E=-dV/dx। dV/dx को दोस्तों हम बोलते हैं विभव प्रवणता, बोलते हैं विभव प्रवणता। समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य नहीं करना पड़ता है। दो कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है, इनके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? दोस्तों, 10 वोल्ट हो जाएगा। दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10^5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4×10⁻³ मीटर है। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा? दोस्तों, ये हो जाएगा 4×10⁻½ न्यूटन का बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर। एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश है, मूल बिंदु ए है और एक्स अक्ष पर x=+1 cm पर बिंदु बी तथा वाई अक्ष पर y=+1 cm पर बिंदु सी है। बिंदु ए बी तथा सी पर विभव संतुष्ट करता है VA> VB। दो समान बिंदु आवेश एक्स अक्ष पर बिंदुओं x=-a तथा x=+a पर स्थित है, एक अन्य बिंदु आवेश Q मूल बिंदु पर रखा है। यदि Q को x अक्ष पर स्वल्प दूरी x से विस्थापित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लगभग किसके समानुपाती होगी? दोस्तों, ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती x² के अनुक्रमानुपाती होगी। m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग कितना होगा? दोस्तों, अंतिम वेग हो जाएगा √2EV/m। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक होता है, दोस्तों 1/4π0Pcosθr2। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण विभवांतर से त्वरित किया जाए, यदि EP तथा E अल्फा क्रमशः उनकी गतिज ऊर्जाएं हो तो VP तथा V अल्फा उनके वेग हो तो
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है दोस्तों शून्य। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा दोस्तों घटती है। विरामा अवस्था से 100 इलेक्ट्रॉन विभांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके वेगों का अनुपात हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर एम ई बाय 2m अल्फा। आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर तो दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो चक्कर में किया गया कार्य दोस्तों हो जाएगा शून्य। क्वेश्चन ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा दोस्तों शून्य। साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या दोस्तों बढ़ती है। परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक की त्रिज्या 9×10⁻¹⁵ मीटर है। इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा दोस्तों 8×10⁶ वोल्ट होगा दोस्तों। एक प्रोटॉन को एक वोल्ट विभांतर से त्वरित किया जाता है। इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है दोस्तों 3×3.6×10⁶ जूल होता है दोस्तों। आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया जाए, क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य जो होता है दोस्तों वो जीरो होता है जीरो। एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। यदि 0.2 कूलाम के आवेश को क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 2 मीटर विस्थापित करने में 4 जूल कार्य करना पड़े तो ई का मान कितना होगा 20 न्यूटन/कूलाम होगा दोस्तों। किसी बिंदु एक्स वाई जेड मीटर पर विद्युत विभव V=4x² वोल्ट है तो बिंदु 1 मीटर 0.2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट पर मीटर में कितना होगा दोस्तों 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा। क्यू परिमाण तथा समान प्रकृति के 4 बराबर आवेश ए भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। माइनस क्यू आवेश को वर्ग के केंद्र से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य दोस्तों होता है रूट अंडर q²/π(ε₀)(a)।